गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडियन आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर्स के बारे में। सो कमांड हेडक्वार्टर्स के बारे में जानेंगे और कमांड हेडक्वार्टर्स कौन हेड करता है या उसके अलग अलग इंडिया के कमांड्स जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कमांड हेडक्वार्टर होते क्या। कमांड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन द मिलिट्री विच इज़ सुपरवाइज बाय वन मिलिट्री कमांडर हु इज़ अपॉइंटेड टू द रोल टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द अथॉरिटी बेसमेंट। एक कमांड हम एक से जान सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक मिलिट्री कमांडर होता है जो सारे यूनिट या जो भी नीचे में जो फ्रेमवर्क है उसे अच्छी तरह ऑथोराइज करता है। नेक्स्ट है कमांड हेडक्वार्टर्स इज कमांडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हु इज नो एज आर्मी कमांडर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ। यानी कमांड हेडक्वार्टर जो होता है एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर उसमें बैठा हुआ रहता है जिसे हम एक प्रकार से जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ कह सकते हैं या आर्मी कमांडर कह सकते हैं। और लास्ट है द होल कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 8 थ्रेड कमांड्स हु हैज सबॉर्डिनेटेड फॉर्मेशन अंडर देम। यानी कि हमारी जो कंट्री है उसे 8 कमांड्स में बांटा गया है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। जैसे पहला है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी जो न्यू दिल्ली में स्थित है, और सेकंड वन है आर्मी ट्रेनिंग कमांड एट शिमला। ये दो इम्पॉर्टेंट है और हमें इसे भी याद ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। और जो हाल ही में फॉर्म हुई है या कुछ सालों पहले ही फॉर्म हुए हैं जैसे कि अंडमान निकोबार कमांड, इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थ्रेड कमांड ऑफ अ इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेज बेस्ड एट पुलार बेयर एंड विच इज़ बेस्ड इन अंडमान। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड न्यू दिल्ली, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल। ये कमांड जो है जो भी न्यूक्लियर हमारे न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसी कमांड में शामिल है। हमारा नेक्स्ट है हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ 7 इंडियन आर्मी कमांड्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ में उधमपुर नॉर्दर्न कमांड, देन उसके बाद में आर्मी कमांड शिमला, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान, सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड साउथर्न कमांड एट पुणे महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न कमांड एट कोलकाता। अब ये बात रही कमांड्स की, लेकिन हम इसे याद कैसे करें, ये एग्ज़ाम में हम इसे वापस से रिवाइव कैसे करें हमारे माइंड में। तो मैंने इसके लिए एक ग्राफ बनाया है जिसे आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि हम इस एरो को देखेंगे, सबसे पहले हम नॉर्थ साइड में देखेंगे उधमपुर और साउथ में देखेंगे पुणे, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। फिर सेकंड हम देखेंगे वेस्ट में चंडी मंदिर और ईस्ट में कोलकाता, इतना याद है, ओके। फिर साउथ वेस्ट में जयपुर एंड सेंट्रल में लखनऊ। अब इसे हम विजुअली याद कर चुके हैं, अब हम इसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ इसे याद करने के लिए है ट्रिक UPCKJL। यूपी हम ऐसे अप याद रख सकते हैं ऊपर, यानी कि उधमपुर पुणे, सी के हमें के से याद रखना है कोलकाता जो हमें पता ही है कि ईस्ट में आता है, तो हमें याद हो जाएगा चंडी मंदिर कोलकाता। तो हमें चार चीज़ याद हो गई, उधमपुर पुणे चंडी मंदिर कोलकाता। सो नेक्स्ट हम याद करेंगे JL जयपुर लखनऊ। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएंगे कि नॉर्थ में उधमपुर है, साउथ में पुणे है, वेस्ट में चंडी मंदिर है, ईस्ट में कोलकाता है और फिर साउथ वेस्ट में जयपुर और सेंटर में है लखनऊ। तो इस प्रकार याद करेंगे UPCKJL UPCKJL। इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से तरीके से याद हो जाएगा। तो लास्ट में हम ये जान लेते हैं ये सब कमांड हमने पढ़ी है, जैसे कमांड के इंसिग्नियास क्या है, कमांड के नेम्स, हेडक्वार्टर्स, हमने ये सारे कमांड्स देख लिए। हम आप एक बार देख सकते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी जो न्यू दिल्ली में स्थित है, सेंट्रल कमांड लखनऊ, और आप इस चीज़ को अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिए।
ताकि अच्छा रहे आपके लिए। ईस्टर्न कमांड कोलकाता है जैसे, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउथ कमांड पुणे, साउथ वेस्ट कमांड जयपुर, और वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, और अंडमान एंड निकोबार कमांड अंडमान, एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड न्यू दिल्ली। आप इस वीडियो के सारे सैटेलाइट की स्क्रीनशॉट निकाल करके ताकि ये फ्यूचर में आपके काम आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप याद कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।